डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खुबैब, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी सर, आर्या आवाज। वालेकुम सलाम। तो बच्चों, आपके पास 5 मिनट्स हैं फॉर द रिवीजन ऑफ अ लास्ट लेक्चर। शाबाश। जी नोट सर। नोटबुक पकड़ लें और लास्ट लेक्चर का सामने रखें। श्योर सर। सर, वो असाइनमेंट 1 की वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो आपने कहा था मतलब करवानी है, वो नहीं हो रही। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बेटा, आज मैं आपको ना बताता हूँ तमाम लोगों को उसके बारे में। ना मुझे ना रिमाइंडर आपने देना है, जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाए फिर बताता हूँ। नहीं मतलब वो उन्होंने बैक मेल तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे सबमिट नहीं हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, आपको उसका सलूशन बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा सूफी हमजा, बेटा तुझे मैं बना रहा हूँ प्रेजेंटर, तुझे मेरी आवाज़ आ रही है अभी? सूफी हमजा, हाँ जी सूफी हमजा, तुम्हें आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी सूफी हमजा, भी आवाज़ आ रही भी तुझे मुझे? जी सर, आ रही है। मैं जरा हैंड फ्री ढूंढ रहा हूँ।
तो तुझे मैंने अभी बनाया प्रेजेंटर, तो जो भी अभी ज्वाइन करेंगे तुमने सबको अटेंटिव बनाना, ओके राइट नो, सर। राइट नो यू आर द प्रेजेंटर, और जब भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको अटेंटिव बनाओ। ओके सर। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको 5 मिनट दिए थे फॉर द रिवीजन, और इस दुआ के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। सर आवाज कट हो रही है। क्वेश्चन है, ब्रेक हो रही है जी। यस सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। ठीक है जी, आप कुछ जब बेहतर हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, मैंने आपको ना रिवीजन के लिए बोला है कि आप मीन वाइल रिवाइज करें, और मेरे साथ 5 मिनट्स दिए थे और 8 मिनट्स हो चुके हैं। हाँ जी, आवाज़ आप मुझे बताएं भी, आवाज़ क्लियर है अभी। सर अभी भी थोड़ी सी कट रही है। हेलो, चलो ठीक है, बेहतर होगी सिग्नल के। तो आपका नंबर 8, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स टाइटल, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 8 इज़ लोकेशनल डिसीजंस, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन ओएम कैरियर। वेन एवर वी वॉन्ट टू सिलेक्ट एनी न्यू लोकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ फैसिलिटी, वी शुड बी वेरी केयरफुल अभी एक्सक्यूज मी सर, बिकॉज। हाँ जी सर उस दिन आपने 10 चैप्टर कराया था बोलिए और आज हम प्लीज। 8 कर रहे हैं। नहीं बेटा, 10 तो हमने अगर लास्ट लेक्चर थे बेटा, आप लास्ट लेक्चर में यस सर मैं वो कह रही हूँ लास्ट टाइम हमने 10 किया था और अब हम 8 शुरू करने लगे हैं। नहीं बेटा, बेटा 10 हमने 8 शुरू कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें हमें 8 की डिस्कस हो रही हैं। फिर फेडेक्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आपको बताया था सेंट्रल हब के यस बारे सर में यस बताया सर था, ठीक है ना। लगता है तो आप भूल गए हैं कुछ चीज़ें ना, घर में रिवाइज नहीं कर रहे आजकल आप। नहीं सर वो तो फेडेक्स मैंने वाला जो बात रिवाइज की किया है थी हमने। एक, हाँ जी बेटा, फिर अगर आप याद हो तो फेडेक्स ही की बात कर रहा हूँ, उसी उसकी नाम चैप्टर नंबर 8 है ना, लोकेशनल डिसीजंस। तो चैप्टर के क्या होता है, कुछ कंटेंट हमारे सिलेबस में होते हैं, जरूरी नहीं कि तमाम का तमाम चैप्टर पार्ट ऑफ आ सिलेबस वाले जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं
वो पार्ट ऑफ आउटलाइन होते। तो फेडेक्स के लिए, फेडेक्स हैज़ अ वेरी कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ ड्यू टू इट्स लोकेशन। और इनके जो, मुझे आप बताएं जी, अगर आपको याद आ गया कि इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्या एक थीरी पेश की थी, एंड दैट थीरी इज वेरी पॉपुलर एंड दैट इज नोन एज, हाँ जी सूफी हमजा, मैंने बेटा आपको कहा कि आपने अटेंडी बनाते जाना, जो जो लोग ज्वाइन करें, यू एम बी बोथ आर प्रेजेंटर, मैं और आपके अलावा तमाम लोगों का अपने अटेंडी बनाना भी। बना हाँ जी, कौन मुझे बताएगा? हाँ जी हाँ जी, बताओ जल्दी से बताओ भाई, फ्रेड स्मिथ ने कौन से आइडिया पेश किया, व्हाट ही प्रेजेंटेड, व्हाट ही गिवन एन आइडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी पॉपुलर एज वेल। हाँ जी, सर कौन उसमें ये बताएगा? कहा कि ना हमें ना जो है ना मार्केट के सेंटर में होना चाहिए, जिस तरह वो अगर एशिया को मैनेज कर रहा है तो उसको चाइना में होना चाहिए, और अगर चाइना में है तो कौन से में होना चाहिए। आपको इम्फोसाइज करता हूँ कि आप क्या, ठीक है बहुत अच्छे। तो व्हाट ही प्रेजेंटेड, व्हाट ही गिवन आइडिया ऑफ अ सेंट्रल हब, कहता है कि कंपनी क्या है, लॉजिस्टिकल कंपनी है, कोरियर सर्विस कंपनी है, सर्विस कंपनी, एंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिकल कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसने ये भी बताया था कि यूएसए के अंदर, जल्दी से मुझे बताया कि उन्होंने सेंट्रल हब यूएसए के अंदर कहाँ है उनका, किस स्टेट के अंदर है, कौन सा टाउन है, बहुत सारे लोगों ने लिखा, मैंने लिखवाया। हाँ ये जल्दी सर से मुझे मेम्फिस पे हुआ बताया, है अपने, मेम्फिस, हाँ जी मेम्फिस टाउन है और स्टेट इसकी थी टेनेसी, टेनिसी। वेल डन। अब आप आते यूरोप में, यूरोप में इसका सेंट्रल हब किधर है? फ्रांस, फ्रांस है, पेरिस, ठीक पेरिस है, कुछ और पेरिस पेरिस के अंदर, ठीक फ्रांस है और उधर पेरिस में ठीक है। और एशिया का आपने मुझे अभी किसी स्टूडेंट ने बताया कि चाइना और गुआंगझो है, सिंगापुर, वेल्ड राइट आंसर है। और लेटिन अमेरिका को कवर करने के लिए इनका सेंट्रल हब कहाँ है? मियामी सर, मियामी, ठीक है। और कनाडा को ये डील करते हैं फ्रॉम टोरंटो, टोरंटो सर, राइट है। और जो फेडिक्स है, फ्लीट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट या नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं? सर 667 वेल डन। और ये अप्रोक्सीमेटली दे आर दे यूज 375 एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद दी दे प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विस विद दी हेल्प ऑफ 80,000 वैन्स एंड ट्रक्स। बच्चों ये था, डेट वॉज दी समरी ऑफ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के फेडिक्स क्या कर रही है। और बच्चों फेडिक्स का ये अभी ये स्लाइड आपको शेयर हो रही है, ये फेडिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने सेंट्रल हब का कॉन्सेप्ट पेश किया, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। और फिर आपको याद हो कि हमने ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अ लोकेशन की बात हुई थी कि देयर आर थ्री ऑप्शन, एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, मेंटेन एग्जिस्टिंग और एड साइट्स, है क्लोजिंग एग्जिस्टिंग एंड रिलोकेटिंग। इसकी एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की थी, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल मेरे साथ शेयर की। अब आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है जी बच्चों रीजन। तो रीजन के लिए मैंने आपको साथ एग्जांपल शेयर की थी, फैक्टर्स डेट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस, ग्लोबलाइजेशन एड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमने आर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लास्ट है आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स। तो वंस अगेन हमने देखना है कि आपके की सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जब आपने, ये हमारे पास वो फैक्टर्स थे बिफोर डिसाइडिंग द लोकेशनल डिसीजंस, और ये हमारे पास फैक्टर है कंट्री डिसाइड करने के लिए। जैसे हमने यूरोप के अंदर फ्रांस को सेलेक्ट किया, तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सेलेक्ट द कंट्री। इसी तरह फेडिक्स ने एशिया के अंदर चाइना को सेलेक्ट किया, तो रीज़न है कि चाइना को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो हियर आर द सक्सेस फैक्टर्स, और ये सिक्स हैं, और कई दफ़ा हमने ये बात की है, और ये भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर।
जो स्लाइड नंबर मेरे पास गिवन है, इसका नंबर है स्लाइड नंबर 11। ये बच्चे बात हमने डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर कि कंट्री को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट रूल्स है, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी है बच्चों, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने देखना है कि जिस कंट्री के अंदर आप जा रहे हो उसका जो सिस्टम है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कल्चर और इकोनॉमिक इश्यूज मैंने बताए हैं कि अगर लेट्स से फूड चेन की मैंने एग्जांपल कोड की थी, पाकिस्तान के अंदर है या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है, तो यू हैव टू गेट हलाल फूड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसी तरह मैंने आपको चाइना की इंडिया की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पर इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेल बीफ बर्गर, ठीक है जी, वहाँ पर। लेकिन आपको मैंने बताया कि चाइना के अंदर ये इश्यूज ऐसे नहीं है, यू कैन सेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेल, रेलेवेंट टू फूड की कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, देर इज़ नो इश्यूज़। तो चाइना के अंदर बच्चों ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट सम एक्सटेंट हम कहते हैं वहाँ पर उनके बिजनेसेस हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर हैं, ये उसकी एग्जाम्पल है। और उसके बाद है कि जब आप कंट्री डिसाइड कर लो तो नेक्स्ट वन आपके पास, कंट्री डिसाइड करने के बाद जो अगला स्टेप होता है कि वो हमने रीजन सेलेक्ट करना है, यानी कि जैसे बात एग्जांपल है फ्रांस की, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे टाउन को, सिटी को, पेरिस के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल हो रही है। तो अगर बच्चों मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जितने भी इन्वेस्टर आते हैं लोकली या इंटरनेशनली, उनकी कोशिश होती है कि वो दो बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान की। तो मुझे कोई बताएगा पाकिस्तान की जो बड़ी मार्केट्स हैं, व्हाट आर देयर नेम्स? शाबाश, एनीवन मे शेयर। सर शालम मार्केट है आई गेस। ठीक है, एक शालमी मार्केट है, ठीक है, एनी अदर आंसर भी? बच्चों वो लाहौर के अंदर है, हम कह सकते हैं होल सेलर एक बहुत बड़ी शालमी मार्केट है वो पूरे पाकिस्तान को। लेकिन बड़ी मार्केट जो ना वो अभी रीजन वाइज है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कराची और लाहौर। कराची की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर आता है उसकी कोशिश होती है वो कराची को टारगेट करे। अगर कराची को नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, कोई लॉ लॉ एंड ऑर्डर के इशू होते हैं, एक वक्त था जब ये सूरत हाल इतनी पाकिस्तान की कराची की सिक्योरिटी के लिहाज से इतनी ख़राब नहीं थी, तो पहली चॉइस होती थी लोगों की बच्चों कराची। और उस वक्त में पाकिस्तान की जो 80% इंडस्ट्री थी डेट वाज इन कराची। फिर हालात की वजह से कुछ ऐसे में उन्होंने इन्वेस्टर ने कहा जी फादिस से कफ़ सिक्योरिटी, फादिस से कफ़ सेफ्टी, तो उन्होंने लाहौर को भी टारगेट करना शुरू किया। लेकिन पहली चॉइस एक वक्त था, देयर वाज अ टाइम व्हेन द फर्स्ट चॉइस वाज अ कराची एंड द सेकंड चॉइस वाज अ लाहौर। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और अभी स्लाइड नंबर 12 है। तो जब आपने, अब हम उस कंट्री सेलेक्ट कर चुकी हैं, नो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट स्पेसिफिक रीजन आर टाउन ऑफ डैट आर स्टेट ऑफ डैट कंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, कंट्री डिसीजन के बाद देखते हैं कॉर्पोरेट डिज़ायर क्या है। तो वहाँ पर है जो सपोज अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर स्टील बच्चों देर इज़ अ ह्यूज गैप इन टर्म ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, ऑटोमोटिव गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सप्लाई कम है। तो कॉर्पोरेट डिज़ायर है, और अगर पाइपलाइन के अंदर जिनको इंटरेस्ट है, तो बच्चों एक ये करंट गवर्नमेंट भी ने भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, 6 new different brands दे आर कमिंग इन पाकिस्तान, दे विल ओपन देयर बिजनेसेस इन पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा है पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ 3 companies थी लास्ट अप टू मे बी 70 years। तो हम कह सकते थे कि हमारी ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री थी वो जैपनीज मार्केट थी। सुजुकी का एक नंबर आता है, होंडा का नंबर आता है, टोयोटा का नंबर आता है, ये 3। अब देखिए साउथ कोरियन 2 brand आ चुके हैं। एक साउथ कोरियन जो ब्रांड है वो, उसका नाम है, कौन बताएगा? देखते कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं गाड़ियों में। यस सर।
हाँ जी, एक किया है, वेल डन जुहेर काजमी, किया के अलावा एक और है, वो पहले भी हुंडई कहो होंडाई, ठीक है, और ठीक है जी, किया की एक जो प्रोडक्ट है, एक उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोगों ने किया, वो है किया, कौन बताया गया, किया की एक वोल्टेज वोल्टेज स्पोर्टेज, वोल्टेज है सर ठीक, वो स्पोर्टेज, और उतनी अप्रिसिएशन पिकांटो को नहीं मिली, ये दोनों प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, किया ने पिकांटो भी लॉन्च किया और स्पोर्टेज भी लॉन्च किया, लेकिन जो मार्केट ने अप्रिशिएट किया है स्पोर्टेज को, वो अप्रिसिएशन इसकी दूसरी जो पिकांटो को है सच नहीं मिली। ऑन द अदर साइड होंडाई ने टोसॉन के नाम से, वो कंपेटिटर है स्पोर्टेज की, और उसके जो वेरिएंट है 2 से 3 वेरिएंट हैं, और लो वेरिएंट की जो प्राइस है, इधर किया स्पोर्टेज की बात करूं या टोसॉन की बात करूं, वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 या 4.4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक, ये वेरिएशन है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो ये कॉर्पोरेट डिज़ायर की बात है। अभी भी स्टील पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गैप है, तो ये यहाँ पर डिज़ायर है, लोग चाहते हैं कि बाहर की गाड़ियाँ, यूरोप की गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर बने। और इसी तरह सेकंड पॉइंट है अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ रीजन, ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है जो पहले वाला है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किस तरह है? कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस गाड़ियों की बच्चों बहुत, अगर एक ही प्रोडक्ट अभी ले लें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूँ तो ह्यूज डिफरेंस है, अगर हमारा हमसाया नेबर कंट्री है इंडिया, तो एक ही गाड़ी है जो पाकिस्तान में, अगर आप गूगल में सर्च करोगे वही गाड़ी आप इंडिया में देखोगे, तो आपको देखोगे देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म ऑफ अ प्राइस, मे बी 4 टाइम्स है, हालांकि करेंसी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो करेंसी का डिफरेंस अगर गाड़ी इंडिया के अंदर X रुपीज़ की है, तो पाकिस्तान के अंदर बच्चों मैक्सिमम 2X की होनी चाहिए, तो हम देखते हैं वही गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो 4X की हो जाती है, तो ये जो एक ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और फिर सेफ्टी मैयर की भी बात करें तो सेफ्टी मैयर्स हैं आजकल बहुत सारे लोग, हमने देखा होगा वो एयर बैग्स की, आज से चंद साल पहले दे द पीपल वर नॉट फेमिलियर के वट आर द एयर बैग्स, तो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, यूरोप के अंदर उन्होंने बेंच मार्क किया है कि इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ एयर बैग्स होने चाहिए। इसी तरह किया की या ट्रोसोन की बात करें तो वहाँ इंडिया के अंदर एयर बैग्स हैं और पाकिस्तान के अंदर बच्चों एयर बैग्स हैं, तो ह्यूज डिफरेंस है, वो 6 हैं, पाकिस्तान 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरनेशनली वो कहते हैं 12 एयर बैग्स होने चाहिए। अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और इसी तरह आप फूड चेन, अगर फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हम सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म ऑफ अ फूड, तो ये रॉ मटेरियल, इसी तरह टेक्सटाइल के सेक्टर में आना चाहता है तो वी आर सफिशिएंट, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है। और थर्ड हमारे पास है लेबर अवेलेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, देखिए पूरी दुनिया को हम लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, गल्फ के अंदर हमारी लेबर है, सऊदी अरेबिया की है, ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, उसके फोर्थ है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जिधर हम जितनी भी यूटिलिटीज हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, ये फैसिलिटीज सर हमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल। ऑन कर दें सर बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, बेटा कादिन साहब रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके तो जब भी मैं बेटा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो वो हर ईच एंड एवरी जो लेक्चर है इज रिकॉर्डेड, पहला काम रिकॉर्डिंग वाला होता है, तो वेन एवर वेर एवर यू वॉन्ट टू लिसन, ठीक है जी, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है यूरोप के अंदर, बच्चों जो डेवलप कंट्रीज हैं दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसके जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सपोर्ट डैट प्रोडक्ट टू यूरोप आर अमेरिका आर एनी डेवलप कंट्रीज, तो वहाँ पर देखिए, और हमारे मुल्क के अंदर भी है, हम अफेक्टिव में आते हैं इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और वेदर चेंज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उन कंट्रीज़ के अंदर है जो इट इज़ बैडली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो कि एक वक्त था कि जब आपने बच्चों प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे
तो एक इशू होता था उसका प्राइस नंबर वन, उसका गति इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा ही होता था कस्टमर फोकस, उसका कहते हैं द प्रोडक्ट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, एक वर्ड यूज़ होता है यूज़र फ्रेंडली, तो इजीली वो कस्टमर के लिए इंस्ट्रक्शन होती थी हाउ टू यूज़ हाउ टू ऑपरेट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आजकल इसके साथ है इकोनॉमिक फैक्टर नंबर वन है, उसके बाद हम कह सकते हैं कस्टमर फैक्टर, कस्टमर फोकस या फैक्टर है, थर्ड एंड द लास्ट वा इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के अंदर देखें एक हमने प्रोडक्ट पर बैन लगाया, वो क्या था, पॉलीथीन बैग्स। तो जिस लोकेलिटी कम्युनिटी में बच्चों मैं रहता हूँ तो वहाँ पर तो ये अवेलेबल नहीं है, पॉलीथीन बैग है, वो जितने भी स्टोर्स हैं वो अब नहीं दे रहे, वो कहते हैं नहीं ये बैन है। तो ये है इन्वायरमेंटल इश्यूज, और भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल है। तो जब भी आपने फैक्ट्री लगानी होती है, जिन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारी क्लास के अंदर या फैमिली बिजनेस है, तो वो देखेंगे उन्होंने डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ से परमिशन लेनी होती है बिफोर द लॉन्च ऑफ एनी फैक्ट्री, कि उसका इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होंगे, उसके बगैर आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, तो बच्चों गवर्नमेंट क्या करती है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो टैक्स फ्री जोन भी होते हैं या टैक्स फ्री टाइम पीरियड भी होता है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी फार स्पेसिफिक जोन के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि जो हरिपुर था केपी की का, तो वहाँ पर वो फ्री जोन था टू अट्रैक्ट द कस्टमर, उस दौर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे सदर अयूब खान, उन्होंने एक पॉलिसी मेकर थे, तो उन्होंने वो हरिपुर के अंदर एक जोन बनाया इंडस्ट्रियल जोन, तो वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इंसेंटिव दिए थे यहाँ टैक्स के कॉन्टेक्स में। तो इन्वेस्टर ये भी चाहता है कि भी अगर मैं किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो कंट्री मुझे स्पेशल बेनिफिट क्या दे रहा है टैक्सेस और टैरिफ के कॉन्टेक्स में। पॉइंट नंबर सेवन क्या, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स एंड द कस्टमर। प्रॉक्सिमिटी होती है कि नियरनेस, अगर आप कोई फैक्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं तो जनरली क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर एज अ मैन्युफैक्चरर वी शुड बी नियर टू कस्टमर एज वेल एज द सप्लायर। मतलब मैंने अभी आपको एक कई दफ़ा एग्जांपल करता हूँ, शुगर के जो इंडस्ट्री है बच्चों, जितनी भी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो दो मेजर प्रोविंसेस हैं, एक पंजाब है एक सिंध है। क्यों, रॉ मटेरियल है जो शुगर केन के लिए, ठीक है, जो गन्ना अवेलेबल है रॉ मटेरियल है वो कहाँ अवेलेबल है शुगर के लिए, तो वो इधर पंजाब के अंदर है और सिंध के अंदर है। अगर सीमेंट फैक्ट्री है तो कोई प्लेन एरिया के अंदर नहीं है, तो सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है, रॉक चाहिए, तो रॉक कहाँ अवेलेबल है, कुछ पंजाब का एरिया भी है या केपी की का है, तो यहाँ इन एरियाज के अंदर है। तो ये उसके बाद लास्ट जो पॉइंट एट है, लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लैंड एक्वायर करना चाहते हैं तो हम देखेंगे लैंड की कॉस्ट क्या है, और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं ज़ाहरा जब भी आप न्यू फैसिलिटी या लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है यू आर गोइंग टू परचेज लैंड एज वेल एज यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बच्चों ये स्लाइड नंबर 12 थी कि अब आपने रीजन कम्युनिटी डिसीजन करना है, और कंट्री के बाद ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद अब आते हैं स्पेसिफिक साइट की तरफ कि लेट्स से हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया या कराची सेलेक्ट कर लिया, और कराची के अंदर या लाहौर के अंदर फर्दर हमने कहाँ जाना है। तो सबसे पहले जी बच्चों ये मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने कंट्री को डिसाइड किया लोकेशन के अंदर, कंट्री के बाद आपने रीजन को सेलेक्ट किया, और रीजन को सेलेक्ट करने के बाद आप आते हैं स्पेसिफिक साइट। लेट्स से अगर लाहौर में अगर हमने डिसाइड कर चुके हैं, कराची में डिसाइड कर चुके हैं, या वट एवर वेयर एवर यू वांट टू ओपन अ न्यू फैसिलिटी, तो अपन हमने साइट है, सपोज मैं जिधर मैं रहता हूँ, अगर कोई केक्स एंड बेक्स या बंदूक खाने फोकस किया, प्लान किया कि, या बैंक ने प्लान किया कि हमने बहरिया टाउन जाना,
तो लेट से आपने या गुलबर्ग के अंदर जाना है, तो आप गुलबर्ग में कहाँ ओपन करना चाह रहे हो, जौहर टाउन के अंदर कहाँ ओपन करना चाह रहे हैं, DHA के अंदर किस जगह आप ओपन करना चाह रहे हैं, आप उसे पिन पॉइंट करेंगे। स्पेसिफिक साइट की बात हो रही, तो ये साइट नंबर 13 इसी से रेलिवेंट बच्चों पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किस किस्म के साइट्स का साइज़ और कॉस्ट क्या अवेलेबल है। जैसे प्लॉटिंग होती है ना बच्चों इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, इसी तरह उन्होंने किसी भी, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो डिफरेंट साइज़ के प्लॉट होते हैं। हम कह सकते हैं 5 मरले के भी हैं, 10 के भी हैं, कनाल के भी हैं, और इस तरह 2 के, 4 के, 8 के। जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर इसी तरह डिवीजन है, और आप भी जिस जगह रह रहे हो तो आप भी देखेंगे आपके घरों की सबकी सबकी एक जैसी नहीं है साइज, देर इज़ अ वेरिएशन एंड देर शुड बी अ वेरिएशन, डिपेंड्स अपॉन दी अफोर्डेबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स। तो वो उसकी साइज़ क्या, कॉस्ट क्या, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो मुझे बताएगा पॉइंट नंबर 2 क्या है। काफ़ी देर से मैं बोलता जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे कोई एक स्टूडेंट चाहिए जो रीड करें स्लाइड नंबर 13 जो आपको। हाँ जी शाबाश। हाँ जी जैद। एयर रेल हाईवे एंड वाटरवे सिस्टम्स, ठीक है जी। अब हमने लेट से साइट हमने सेलेक्ट किया, पहले कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने टाउन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम स्पेसिफिक साइट की बात कर रहे थे। हम देखेंगे अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, उस साइट के नियर बाई के अंदर अवेलेबिलिटी है। एयरपोर्ट का कितना डिस्टेंस है अगर हम एक्सपोर्टर हैं, रेल का कितना डिस्टेंस है, हाईवेज का कितना है, वाटरवेज का है, ये तमाम सिस्टम फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई हमने प्रोडक्ट बनानी है किसके लिए, कस्टमर के लिए बनानी है, और प्रोडक्ट हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या करेगा सप्लायर, हमें सप्लाई करेगा। तो हमने देखना है जो डिस्टेंस बिटवीन द सप्लायर्स टू अ फैसिलिटी एंड फ्रॉम फैसिलिटी टू अ टारगेट मार्केट, तो उसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक देखें सी पैक की वजह से, तो सी पैक का बच्चों सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारा जो रोड का रेल का ये हम अपग्रेड कर रहे हैं और नया डेवलप भी करते जा रहे हैं। प्लान है कि जो रेल RRD हमारी एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो रेल सिस्टम है डेट इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मोर देन 100 ईयर, इसको आप अपग्रेड कर रहे हैं और नए हाईवेज आपको पता है बन रहे हैं, मोटरवेज बन रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। उसके बाद अभी पॉइंट नंबर 3 जल्दी से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 रिस्ट्रिक्शंस, जोनिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन क्या है, जोनिंग है इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर। और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की मौजें लगी हैं जो बिजनेसमैन के लिए, वो कैसे लगी हैं। अब ये जो वाटर है जिसको ये सेल कर रहे हैं, तो बच्चों आप देखिए उसकी कॉस्ट क्या आती है, ज़मीन से पानी ले रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे यूज़ कर रहे हैं, और इतने कॉस्टली बेच रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं इनको है। और भी इंडस्ट्री के अंदर बच्चों वाटर जो बहुत बड़ी नेमत है, और इसको यूज़ किया जा रहा है और कमर्शियल काम के लिए और कम्यूनिटी के लिए और कामों के लिए, इससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि अगर आप नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल कंपनसेट करने के लिए लोगों को। तो कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाइज नीडी, जब भी मैंने बात कर ली, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात पहले हो गई है, कस्टमर डेंसिटी एंड डेमोग्राफिक्स हैं, वहाँ कितनी डेंस मार्केट है, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बच्चों में बात कर चुका हूँ कि वाई इन्वेस्टर गिवन प्रेफरेंसेस टू कराची एंड लाहौर मार्केट। तो रीज़न क्या, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, जो हमारे पास है मैक्सिमम पॉपुलेशन कराची की है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट या जो डेंसिटी है वो लाहौर मार्केट की है। तो ये दो बड़ी मार्केट हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची मार्केट है और कराची के बाद है ये लाहौर की। तो ये वो फैक्टर्स है बच्चों कि जब वेन एवर वी वांट टू सेलेक्ट एनी न्यू लोकेशन, तो पहला स्टेप हमारे पास है कि हम क्या सेलेक्ट करेंगे, और मुझे उसको रीकैप ले रहे हैं। फर्स्ट वन वी हैव टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना चाहिए जब आपने लोकेशन की, सर साइज फॉर कॉस्ट देखनी है और साइट देखनी है।
पहला, ये तो ठीक है साइट भी हमने देखनी है, लेकिन साइट से पहला एक फेज है, तीन फेजेस है बच्चों। फर्स्ट फेज इज नोन एज अ सिलेक्शन ऑफ अ जगह सर देखनी है, मतलब लाहौर या ठीक है राइट। पहला बच्चों जिनके पास नोटबुक है तो तीन फेजेस है। द फर्स्ट फेज है सिलेक्शन ऑफ अ कंट्री, पहला फेज के वेन एवर वी वॉन्ट टू ओपन एनी न्यू फेसिलिटी, ठीक है, और वी वॉन्ट टू रन बिजनेस अब्रॉड, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ अ कंट्री। ये पहली हमारे पास एक फेज है। सेकंड फेज क्या है? हाँ जी, सेकंड फेज बेटा रिकॉर्डिंग, हाँ जी हाँ, उसके बाद राइट आंसर है शुमार रीजन है। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया कंट्री, कंट्री के बाद रीजन, और थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन हम क्या करते हैं सर, स्पेसिफिक सिटी या एरिया जैसे लाहौर या कराची इस्लामाबाद, वो सिटी हमने, उसके बाद हम करते हैं साइट। तो वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देर आर थ्री स्टेप। स्टेप नंबर वन है सिलेक्शन ऑफ अ कंट्री, स्टेप नंबर टू है सिलेक्शन ऑफ अ रीजन, स्टेप नंबर थ्री है सिलेक्शन ऑफ अ साइट। सो देर आर थ्री डिफरेंट फेजेस, देर आर थ्री डिफरेंट स्टेप्स ऑफ choosing a specific location of a new facility, selection of a country, selection of a region and the selection of a site. तो बच्चों ये तीन डिसीजन है, तीन स्टेप्स हैं, तीन फेजेस हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं। और अब आते हैं जी वो कंट्रीज हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कंपेटिटिवनेस को, जिधर इन्वेस्टर जाना चाह रहा है। तो हेयर इज अ लिस्ट, तो ये एक सर्वे किया गया है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज, टेबल 8.1 को मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने 144 कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया और सर्वे किया 13,000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का। उनके जो आंसर आए हैं, जैसे क्वेश्चन ईयर सेंड करते हैं, आपकी देखा होगा आपने भी रिसर्च क्वेश्चन ईयर कोई फिल किए होंगे उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो इंटरनेशनली अगर आप प्रेफरेंस देना चाहें किन कंट्रीज़ को आउट ऑफ 144, द टॉप ऑफ द लिस्ट है स्विट्ज़रलैंड बच्चों, इस स्लाइड के अंदर आ रहा है, सिंगापुर है, यूएस है, फिनलैंड है, जर्मनी, जापान, कनाडा, इजराइल। और नेक्स्ट वन अगर हमारे पास जो लास्ट थ्री हैं सर बताने के लिए, वो हेटी है, चैड आपके पास है और गिनी है। तो ये 144 सर्वे था। अब आते हैं जी, एक आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली है, आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया, आपने साइट सेलेक्ट कर ली, अब नेक्स्ट वन डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों अब हमने देख रहे हैं कि सपोज अगर आप लाहौर के अंदर आते हैं तो लाहौर के लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, कराची के अंदर जा रहे हैं तो कराची के लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, और अगर हम बलूचिस्तान के अंदर लेट से कोई ओपन कर रहे हैं तो वो लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। इसी ये केपीके के अंदर कोई फैक्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर देखें हम नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हमारा जो सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे लो पॉपुलेशन उसी की है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और सोने के ज़खायर भी हैं, तांबे के ज़खायर भी हैं। रेकॉर्ड एक मंसूबा था जो ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ है, जो माइनिंग में एक्सपर्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो उनके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का हुआ था। फिर हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने से पाकिस्तान का जो फाइन है वो $6 बिलियन हुआ, $6 बिलियन वो पे कर रहे हैं। तो अभी हमें उन्होंने किया जी रिलैक्स थोड़ी सा, हमने उन्होंने स्टे हमें दिया है 6 मंथ का, और गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ी तलवार ये भी है कि $6 बिलियन भाई यही तो IMF से हमने कर्जा लिया है, और अगर $6 बिलियन ये होता है कि इंटरनेशनल बच्चों जो एग्रीमेंट किया जाते हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। देखिए सऊदी अरेबिया के पास ऑयल को ठीक है जी एक्सप्लोर करने की फैसिलिटी नहीं थी, ईरान के पास ये फैसिलिटी नहीं थी एक्सप्लोर करने की, तो उन्होंने इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया, ईरान ने हायर किया, सऊदी अरेबिया ने हायर किया, उन्होंने बेटा वो डिगिंग की, और उसके बाद अब वो जो कंट्रीज़ हैं दे आर रिच। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है
स्किल लेबर नहीं है तो हमें लोगों पर डिपेंड करना पड़ेगा, ऐसे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे जो इन्वेस्टर के लिए और कंट्री के लिए शुड बी विन विन सिचुएशन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट ये हुआ था ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ जिन्होंने एक्सप्लोर करना था गोल्ड फ्रॉम बलोचिस्तान, वो था 80-20 कि 80% वो फर्म लेके जाएगी, 20% पाकिस्तान गवर्नमेंट लेगी। तो इस पर रिजर्वेशन थे कि यार ये जो विन विन सिचुएशन नहीं है, आप दे रहे हैं टू मच टू द फर्म। तो ऐसे तो ये बेटा उसकी बैकग्राउंड थी। तो ये मैंने क्यों स्टोरी सुनाई, इसलिए स्टोरी सुनाई है प्रोडक्टिविटी कि हमारे पास लोकल एक्सपर्टीज नहीं है। अब मैं आपको जो एग्जांपल है, एक फर्म है बच्चों, तो वो अपना वैसे सर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर मार्जिन ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उस सूरत में ये करना चाहिए, क्योंकि अगर अगर लेट्स सपोज ने हायर नहीं किया तो हमारा वो सोना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। हाँ बेटा यही बात है, देखा एक्सपर्टीज है ना, लेकिन विन में नया 50-50। अब देखा ये तो मैं लेमैन हूँ, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन देखना चाहिए था 80-20। तो लेमैन देखता कि 80 ठीक है जी, 80 तो अगर हम टाइम पीरियड उसको डिफाइन करेंगे, लेट्स अ 1 ईयर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक 80% वो फॉर्म लेके, मैं ये गेस कर रहा हूँ। तो अगर हम फॉर द होल टाइम पीरियड जितना भी है रिजर्वायर है ठीक है, जितने उन्होंने वो पैसा से पहले उसका बच्चों लगाते हैं कि एक्सपेक्टेड कितना है, उसके बाद उस पर डिगिंग होती है। ये टेक्नोलॉजी की बेस है, हम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जन हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो जो भी है अभी विन विन सिचुएशन पर होना ही चाहिए। लेट्स से आप भी किसी से एग्रीमेंट करते हैं, भी मेरे पास ये लैंड है तो मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप मेरी लैंड को यूज़ करो, या मेरा ये बिल्डिंग है तो मेरी बिल्डिंग का यूज़ करो। तो जो भी एग्रीमेंट करना चाहें वो नज़र आना चाहिए ये फेयर एग्रीमेंट है, इसमें कोई करप्शन एलिमेंट नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चे, इस कॉन्टेक्स्ट में आए। अच्छा जी, अभी जो स्लाइड नंबर है 16, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि कौन से इफेक्ट, एक है प्रोडक्टिविटी ऑफ अ रीजन। ये ऑटिस एलिवेटर कंपनी है और ये अपना बिजनेस ओपन करना चाह रही है, इट हैज़ टू ऑप्शन। एक इनके पास ऑप्शन है साउथ कैरोलिना है और मैक्सिको है, ये दो ऑप्शन है। अब ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, साउथ कैरोलिना अगर वर्क फोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं 60 यूनिट्स ठीक है जी, 60 यूनिट्स और इन अ डे अज्यूम करते हैं, और उसके बाद उनकी जो कॉस्ट आती है वो है $70। ऑन द अदर साइड ये थे मेक्सिको के जो लोग हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी है सेम डे वो ट्वेंटी यूनिट्स है, देखे 1/3। ये जो एग्जाम्पल ज़रा गौर से बच्चों देखे, साउथ कैरोलिना में जो हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं वो 60 होते हैं इन अ डे, उनकी कॉस्ट आती है 70। ऑन द अदर साइड मेक्सिको के अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 20, उनकी कॉस्ट आती है $25। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 70 को 60 के साथ, पर यूनिट जो कॉस्ट आती है साउथ कैरोलिना के अंदर वो $1.17 पर यूनिट है। ऑन द अदर साइड मैक्सिको के अंदर कॉस्ट आती है 1.25। तो अगर आप मैनेजर हैं तो मुझे बताएं आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे और वाई? सर साउथ कैरोलिना को, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम है। ठीक है, वेल डन, बता यही मुझे, वेल डन, राइट आंसर है बच्चों। अभी ये हमें इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है एक यूनिट के लिए, लेकिन अगर आप 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे दिस कुड बी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। तो आप वो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ आपने लो लेबर कॉस्ट नहीं देखनी, आपने ये भी देखना है कि हाउ दे आर प्रोडक्टिव, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी उनका स्किल लेवल क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है एंड ऑफ अ डे। तो ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट्स से सिर्फ सस्ती लेबर है, इफ़ दे आर नॉट एजुकेटेड, इफ़ दे आर नॉट स्किलफुल, इफ़ दे हैव नो एक्सपीरियंस, तो वो क्या करेंगे बेटा जी, उसके आपका जो है ना डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। वो हमें इसमें हमें नहीं लग रहा, एक आदमी बिल्कुल रॉ आदमी है, देखो लोग एक्सपीरियंस लोग क्यों लेते हैं, इन एक्सपीरियंस लेते हैं लो डेजिग्नेशन के लिए। सपोज आप BBA कर रहे हैं तो BBA करने के बाद मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ बेटा जी आपकी चॉइस होना चाहिए टू गेट जॉब, ये मत देखें। अच्छा बच्चों अभी क्विज पोस्ट होगा विद इन अ मिनट, जब भी पोस्ट हो मुझे बताना, फिर आपने ना क्विज के लिए चले जाना।
किसी जिस किस को भी मैसेज आया ना, 8:45 मैंने ये टाइम दिया था पोस्टिंग के लिए क्विज नंबर टू, तो जब भी ये क्विज आपको मिले तो फौरन मुझे आपने बताना है विद इन अ मिनट शायद। और मीन वाइल में बच्चों आपकी अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ, और अभी मैं दोनों सूफी आपको भी मैं बना रहा हूँ जैन बेटा। जी सर। तो बेटा आपने ना ये टाइम पर आना है, शायद मैंने ना ये सूफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, और रेस्ट ऑफ द क्लास में ये सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारी क्लास में ना अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सूफी हमजा की रहेगी। तो सूफी हमजा जब तक अटेंडेंस मार्क हो रही है, मैं आप सबको अटेंडी बना रहा हूँ, अटेंडेंस के बाद ठीक है जी दोबारा मैं आपको प्रेजेंटर बनाऊँगा, और मुझे अपने फ़ौरन बताना है कि क्विज आपको मिला या नहीं मिला। क्विज मुझे आपने बताना है कि सर ये क्विज पोस्ट हो चुका है, हमें मिल चुका है। ओके सर। अच्छा एक और बात जी, बहुत सारे लोग कह रहे थे जिन्होंने बाद में टीम को ज्वाइन किया कि सर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रही थी, कौन सी ऑप्शन नहीं आ रही थी अपलोड करने की, असाइनमेंट नंबर वन। तो वो तमाम के तमाम लोग बच्चों ध्यान से सुनो, जिनको असाइनमेंट नंबर वन अपलोड करने की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, मैंने वो असाइनमेंट टू के साथ अपनी जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है उस दोनों इकट्ठी वो अपलोड कर सकते। सर ऑप्शन आ रही है लेकिन उसको ओपन करते हैं वो ओपन नहीं हो रही। नहीं बेटा फिर तो होनी चाहिए वो, अगर आपने लेट है लेट से मैं सुने मेरे पास सेकंड असाइनमेंट अभी आपने रात को की है ना उसको ओपन कर रहे हो वो भी ऐसी आ रही है। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बाकी लोग मुझे बताएं भी। अच्छा जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं नहीं एक मिनट है मैं सूफी हमजा तुम भी बताओ, जैन सदीक दोनों मुझे बताओ कि भी अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा इशू है तो फिर देखते हैं क्या टेक्निकल इशू, किसी से हेल्प भी ले लेते हैं, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट मैंने रिसीव कर चुका हूँ, मैंने ये चेक किया है वो जो टर्न्ड की है बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड की है, क्योंकि आज लास्ट डेट, बल्कि मैंने एक दिन भी बढ़ाया सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने। क्विज आ गया सर। ठीक बेटा जल्दी से करो, और टेंडस जो एब्सेंट सिर्फ उनके नाम मैं बोलूंगा। बच्चों सफिशिएंट टाइम है और मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, ऑलमोस्ट डबल टाइम दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यू टू इंटरनेट स्पीड, अगर उसको मैनेज करने के लिए। शाहजहां अकरम इज एब्सेंट। तो बच्चों आपने इसके टीम के अंदर रहते हुए अपना क्विज अटेम्प्ट करना है, जाना किसी ने नहीं है, मुझे सारे के सारे लोग विजिबल नज़र आने चाहिए, और मैंने लिखा है कि बिफोर ड्यू टाइम आपने वो सबमिट करवा देना है, और जो भी ड्यू टाइम के बाद सबमिट फिर होता नहीं बेटा वो इश्यू आ जाते। हैदर अली इज एब्सेंट। हैदर अली। महक शबीर इज एब्सेंट। सबको ऐड किया, वो उनको बताएं कि वो जाएं कैलेंडर पर जाएं, कैलेंडर पर जाने के बाद वो उस चॉइस को देखें। तो बेटा नेट का होगा ना कुछ, नेट का आराम से देखें, रिलैक्स। नेट सब तेज चल रहा है, मैंने चीजें चेक की हैं, YouTube वगैरह सब तेज चल रहा है, सिर्फ ये लोडिंग हो जा रहा है, चल ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा वेट करें फिर देखते हैं इसको। मैं अटेंडेंस मार्क करके बेटा आपकी बात सुनता हूं।
सर नहीं ओपन हो रहा क्विज। अच्छा मुझे बताएं कितने लोगों का क्विज ओपन हो चुका है, जरा बताएं कितने लोग। सर मेरा हो गया क्विज ओपन। इसका मतलब फिर बेटा आपके एंड पर आकर देखो, मैंने तो सेम इंस्ट्रक्शन दिए हैं सर, मेरा भी हो गया। ठीक है, जिसे घबराना नहीं है, तो मैंने टाइम काफी लिखा उसके लिए, टाइम काफी ज्यादा है। सर एक मिनट दोबारा गाइड कीजिएगा। क्या चीज बेटा? क्विज के लिए इंस्ट्रक्शंस तो आपने दे दी बेटा, वो इंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग मैंने ऊपर गिवन है, सारी पहले पढ़े फिर साथ साथ, ज्यादा नहीं है सिर्फ है, चंद है। रौफ रिजवान इज एब्सेंट, रौफ रिजवान। हसन माजिद एब्सेंट है, तो बच्चों आपने किसी ने भी टीम को छोड़ना नहीं, मुझे आपको बार बार बता रहा हूँ, मुझे नजर आना चाहिए। मेरा कोई अभी भी ओपन नहीं हो रहा, मेरा नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है बेटा मैं देखता हूँ, दोबारा एक बार सेंड कर दे, शायद फिर चल रहे ओपन। मोहम्मद अब्दुल्ला जवेद एब्सेंट है, सर प्रेजेंट। बेटा आप नजर नहीं आ रहे सईद मुझे, अब्दुल्ला जवेद और इसी तरह सैयद अब्दुल अहद अली, सैयद अब्दुल अहद अली। बेटा अभी सिर्फ मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, जो एब्सेंट है सिर्फ जरा थोड़ी देर के लिए वो जरा मुझे बताते जाएं। सईद समीद अहमद, समीद अहमद एब्सेंट है। सर मेरी लगा दी है ना? बेटा लगा दी जवाब पर, क्या शिकायत है, मैं अब दोबारा ही बोलूंगा, टेंशन नहीं ले। अभी ध्यान से प्लीज करो, जैद अली एब्सेंट है, साजिद खान एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। मतलब साजिद मुझे आप नजर नहीं आ रहे, बेशक नजर आना, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एब्सेंट लोग हैं मुझे विजिबल होने चाहिए। तो जैद अली एब्सेंट है नंबर वन, जैद के बाद जो एब्सेंट है समीद अहमद एब्सेंट है, सैयद अब्दुल्ला अहद अली एब्सेंट है, और हसन अमजद एब्सेंट है, रौफ रिजवान एब्सेंट है, महक है, हैदर अली एब्सेंट है, शाहजहां प्रेजेंट। कौन है प्रेजेंट अभी? रौफ रिजवान। रौफ रिजवान, ठीक है जी, रौफ रिजवान में आपका प्रेजेंट कर देता है। लेकिन बेटा मैं वंस अगेन कहना कि यू शुड बी विजिबल, ये जो यहाँ पर जो लिस्ट है वहाँ पर ये तमाम लोग मुझे विजिबल होने चाहिए। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, 9 मिनट्स हो गए क्विज ओपन। बेटा वो ना मेरे एंड पर नहीं है प्यारे,
मेरे वो मेरे एंड पर नहीं है, सुनो। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। सर दोबारा सेंड कर देना। ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा में ट्राई कर लेता हूँ, एक मिनट है। मैं दोबारा बेटा कर लेता हूँ, देखते हैं। अटेंशन प्लीज भाई, वो मेरी तरफ से बेटा मैंने अभी चेक किया, 46 लोगों को ये क्विज मेरी तरफ से पोस्ट हो चुका, 46 लोगों को। हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट जिसे अभी वो कहते हैं उसने रिसीव नहीं किया, ये ओपन नहीं हो रहा, प्लीज सर जरा। मेरे तो पास है सर, मैं उसे ओपन कर रहा हूँ ना, वो लोडिंग हुई जा रही है, ओपन ही नहीं हो रहा बेटा आप इसने सर दोबारा मेरा। करके सुनो भाई, एक सुनो, लिसन भाई लिसन, आप एक दफा मीटिंग को रीज्वाइन करो, ठीक है, रीज्वाइन करके चेक करो। हाँ दोबारा ट्राई ट्राई करके सर, देखो। मेरी आपने एब्सेंट लगा दी है। तो हाँ समझे बेटा, जो मैंने सबको 20 दफा बोला बेटा, कि जो लोग एब्सेंट थे ना उनके मैंने नाम 2-3 दफा बोले बेटा, यार आपने मेरी लिंक कर। कॉल, मैं खुद नेट बंद करके ऑन कर रहा था कि शायद असाइनमेंट वो क्विज खुल जाए, वो इसलिए बीच में आवाज ही नहीं आई। चलो ठीक है बेटा, हासन मैं लगा देता हूँ, हासन समझे दोनों, लगा देता हूँ दोनों। यस नदी भी ओपन नहीं हो रहा। जिनका बेटा अभी क्विज ओपन नहीं हो रहा, जरा रेज योर हैंड्स, मुझे पता चले कितने लोगों का साथ इशू है। रेज योर हैंड्स प्लीज, अब्दुल रहमान डार के साथ, ठीक है, अब्दुल रहमान डार एक। अच्छा डार साहब भी राइट हो, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास हैं सबका है, तो आप ना अपना यार कोई थोड़ी Yes. सी जिस जगह बैठे हो दाएं थोड़ा सा नेट का, आप नहीं कौन सी सर प्लेट। नेट का कोई इशू नहीं है ना, यूट्यूब वगैरह भाग रहा है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड तक ले जाता हूँ वहीं से उसी वक्त चल जाती है, कोई इशू नहीं है, नेट का इशू नहीं आ रहा। सर आप एक बार दोबारा सेंड करें, शायद फिर हो जाए। नहीं आप दोबारा उसे करो ना, क्या कहते हैं, एक दफा दोबारा क्विट होके दोबारा इसे रीज्वाइन करके देखो, किया एक मैंने मिनट, वंस अगेन करके देखो, फिर मैं देखता हूँ इसे।
सर अभी भी नहीं हो रहा, लॉगिन किए फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा डार मैं देखता हूँ, पुश करता हूँ तुम्हारा। एक्सक्यूज मी सर, जब आपको सेंड किया पिक्चर ये आ जाती है सामने से। हाँ जी बेटा बोलिए। सर वो एक लड़की का बार बार वो बंद हो रहा है कॉइस, वो कह रही है कि बंद होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। बेटा ये देखे ना, ये जो टेक्निक इशू है ना, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन देखें अगर एक दो लोगों के साथ है इसका मतलब कि मेरे एंड पर तो अगर हो ना इशू तो किस तमाम लोगों के साथ होना चाहिए जो मेरे एंड पर हो। लेमैन भी सोचता ना, अगर आप मेजोरिटी को ना मिले ना तो फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे तरफ से कोई, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट है। लेकिन अगर मेजोरिटी है 90% अभी डार है, सपोज अगर मैंने सेंड किया है तो मेरे पे एंड पर इशू तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मैं कर सकता हूँ बेटा उसको मैं देख रहा हूँ कि मैं डार साहब को कैसे मैनेज, मैंने ये वो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, या बाकी किसी भी और स्टूडेंट के लिए पहले देखते हैं अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो मैं देखता हूँ कैसे। हाँ जी डार बेटा आपका मसला भी हल हुआ कि नहीं? सर मैंने आपको पिक्चर भेजी है सर, ये आ रहा है सामने से, मैं जब जब करता हूँ तो ये आ जाता है कोरिलेशन आईडी आ गया था। यार मैम थोड़ा सा ना स्पेस चेंज कर लो यार, समटाइम्स ऐसा हो जाता है एक खास स्पेस का ना जो लोकेशन का, आप थोड़ी सी लोकेशन दाएं बाएं होकर देखो आप क्या यूज कर रहे हो, सेल फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? सेल फोन यूज। तो बेटा थोड़ा दाएं बाएं हो जाना, एक जगह हिल जा अपनी जगह से, हाँ थोड़ा सी जो देख के दे पोजीशन को चेंज करके देख अपनी लोकेशन को। तो बेटा इसके लिए ना तो सेलफोन ना यूज़ किया कर, इसके लिए बेटा लैपटॉप यूज़ किया, ये क्विज है तो क्विज के लिए शुड बी मोर केयरफुल। क्योंकि हमने ये देखना कि लेट्स मैं रीसेंड करता हूँ तो ये ना बाकी लोगों का जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो अफेक्ट हो। बेटा ये अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं कि रीसेंड करने का, अगर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को रीसेंड करने का उसका मैं देखता हूँ, मुझे अभी ऑप्शन नहीं आ रही ना, अगर मैं सबको करूँ तो मैं ये नहीं कर बाकी तमाम के तमाम लोग डिस्टर्ब हों। अच्छा सर मेरा भी नहीं हो रहा सर। मेरा की वॉइस ब्रेक हो रही
सर कितना टाइम रह गया सबमिशन में? बेटा वो टाइम लिखा है 30 मिनट्स हैं, तो आपने जो हमारा टाइम है ना 9:20, ठीक है जी, उससे पहले फ्यू मिनट्स आपने ना इसे सबमिट कर देना। अंदाज़ा का हमेशा रखें कि आपने 2 to 3 मिनट्स बिफोर द ड्यू टाइम आप इसे सबमिट लाजमी करें, फिर इश्यूज होते हैं, फिर बाद में सबमिट नहीं होता जी। सर मेरा अभी तक खुला नहीं है। बेटा आप दोबारा उसे एक दफ़ा रीट्राई करके एक दो दफ़ा देखो बेटा, वो ना अभी मैं भी चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास व्यू असाइनमेंट आ रही है, तो मैं कोई यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे तो बेटा इजीली कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास सिर्फ उन लोगों का है जो एब्सेंट है ना, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। जितने प्रेजेंट हैं तमाम लोगों ने व्यू किया, कुछ लोगों ने मुझे रिटर्न भी कर दिया ना मुझे उनके। फहद रियाज है जिन्होंने रिटर्न कर दिया है। सर अटेंडेंस भी लगा दिएगा, मैं लेट हो गया था क्लास में, समीद अहमद नाम है। ठीक है बेटा अगर देखते हैं समीद है। सर अब क्या करना है, नहीं श्योर। सर मेरा आ नहीं रहा, हम कैसे करेंगे? बेटा आपने ना अपने आईटी सपोर्ट को मेल करनी और सीसी मुझे कर देनी। ये इशू जो आपके साथ हुआ ना, आप उनके साथ एड्रेस करें और देखेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। और जो आईटी सपोर्ट है ना यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का, आप उनको करें और मुझे सीसी कर दें, और डॉक्टर साहब का लियास हैं एचओडी, उनको भी सीसी कर दें, हमें सीसी में ले लें। अगर तीन लोगों का ये सर ये दो बंदों का व्हाट्सएप नहीं कर सकते, फिर हम आपको व्हाट्सएप कर दें सर, कुछ नहीं हो सकता? नहीं बेटा अभी हमको करें ना पता चले ना आपके साथ इशू किया, आप आईटी सपोर्ट को आप दोनों मेल करें तो आपको हमें पता चले ना, नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, वो हमें गाइड करेंगे कि इशू क्या हुआ। सर काइंडली चेक करें सीसी पर सबमिट हो गया यार। एक माजी हसन बेटा क्या करें, क्या करें सर सबमिट हो गए? हाँ जी जिनका मैं बता देता हूँ,
जिनका सबमिट हो गया बेटा मैं उनको बता देता हूँ। फाहद रियाज ने सबमिट करवा दी है, अली अदनान ने सबमिट करवा दी है, ये दो लोगों का मुझे नहार है जी, इन्होंने सबमिट करवा दिया। सुन मैंने सबमिट करवा दिया माजिद हसन ने, बट सर ये आंटी की ईमेल बता दे बेटा। आप आईटी सपोर्ट लिखो खुद ब खुद वो आ जाएगा, आपने आईटी सपोर्ट लिखना है। आईटी सर हाँ जी सर, जिनका शो नहीं हो रहा आप हमारा जिनका क्विज हो जाता है उसके बाद आप एक बार उनको दोबारा सेंड करके देख लें। नहीं बेटा वो मैं बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा ना, कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बात देखेंगे पहले, आप तो उनको एड्रेस करें। अगर बाकी लोग ओपन नहीं करेंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो ओपन ना करें ठीक है बेटा, उसको देखते हैं पहले, आप करें तो सही ना, आप तो करें फिर इसका सलूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। पहले आप उनको बताएं कि मैंने ये साल हमें कोई सेंड किया और हमसे ये रिसीव नहीं हो रहा, उनको मेल करें मुझे सीसी करके साथ, मेरे पास भी आपकी मेल आ जाएगी, आपने उनका एड्रेस किया, फिर देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं गाइड के, आपका कोई ना कोई सलूशन इंशाल्लाह ढूंढेंगे, लेकिन वो भी हमें गाइड करें कि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना हो, जो इश्यू ना ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह साथ हमारे एचओडी हैं उनको सीसी कर दें, आप नाम लिख लें डॉक्टर साकिब साहब हैं, तो जब आप जैसे जैसे आप हाँ जी जिन्होंने बेटा आप जिन्होंने सबमिट करवा दिया होता है ड्यू, अभी ड्यू टाइम है तो बिफोर ड्यू टाइम आपने सबमिट करवाना होता है। मैं बता देता हूँ किन किन लोगों ने कर दिए, तो नेट के इश्यू समटाइम बेटा हर जगह ही हो जाते हैं कोई ना कोई। सर हाँ जी सर, ये मीट का सिलेबस बता दे प्रॉपर बेटा, बताएंगे प्रॉपर बेटा, अभी तू क्विज कर नेक्स्ट लेक्चर में बता दें। ओके सर थैंक यू। काजम ने कर दिया मेरे पास बहुत सारे बेटा, जिन्होंने कर दिया ना वो आप जाएं वो क्लास में ना रहें। जैनब बतूल ने टर्न्ड कर दिया वो जाएं और क्लास में ना रहें। सूफी हमजा ने कर दिया वो भी जाओ भी, सूफी हमजा जिन्होंने कर लिया है। सोनिया शहजादी है, शफक है, मोहम्मद काजम है, मोहम्मद अहमद है, माजिद हसन है, पूरिया सज्जाद है, ये तमाम लोग जाएं। सर मोहम्मद उसामा आ गए, सब आ गए हैं, जल्दी जल्दी करें, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं आपके पास। सर ये हमारा जीरो लग जाएगा क्विज में। तो बेटा मैं आपको बार बार कही जा रहा हूँ यार, आपको समझ नहीं बेटा, आप मेल करो आपको करेंगे एड्रेस पहले रीजन सर, सर मेल तो कर दिया उन्होंने, कौन सा भी उसी वक्त बता देना, मैं मेल तो मैंने कर दिया यार, जब वो देखो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपका फॉल्ट ही बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ आपको अकोमोडेट करेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ मेरी बात पर आपको यकीन है तो बी पेशेंट यार। ओके सर, कोई एक इशू है बेटा उसे रिजॉल्व किया जाता है ना पहले, रूट कॉज और नेक्स्ट हुआ क्या है, मसला क्या है आपके साथ, क्यों ऐसा हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो।
वो हमें गाइड करेंगे। मैंने कहा सीसी मुझे लाजमी करनी थी, एक मुझे सीसी करें, एक एचओडी हमारे ना डॉक्टर साकब लियास, दोनों को करें देखें। मैंने आपको मुझे भी सीसी कर दें, लूप में अंदर रखें, आईटी सपोर्ट को करें और बताएं ये रीज़न है, अभी ये क्विज हुआ था इस टाइम, बाकी लोगों को मिला मुझे नहीं मिला, ये सारी चीज़ें उनको बताएं, फिर वो सॉर्ट आउट करेंगे। उसके अंदर लाजमी बताना ये क्लास है, ये सेक्शन है बेटा। वेन एवर यू कम्युनिकेट टू एनी पर्सन तो राइट डाउन योर नेम, रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट नेम, कोर्स नेम, सेक्शन, ताकि पता चले, स्लॉट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन अब्दुलरहमान तुमने देनी है राइट, कि ये सब्जेक्ट था, ये मेरे पास उसका सेक्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कई होंगे यहाँ पर, सेक्शन ये है, ये टीचर हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ वहाँ लिखनी है, और उसके बाद चेक करूँगा तुमने सही लिखा भी कि नहीं लिखा। अभी क्विज के बाद मैं देखता हूँ, और अगर किसी और का भी इशू है पहले उनको एड्रेस करो, फिर वो आपको मेल करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उसके रिस्पॉन्स के वेट करें, आपको अकोमोडेट बेटा करेंगे लाजमी। अभी आप अब्दुलरहमान जाओ, शाबाश। ये ऑटो मार्क होना था क्या, आपने चेक करना है अभी? मेरा चेक करना है। बच्चों लास्ट फ्यू मिनट्स है, जल्दी से सबमिट करें, फिर बाद में ये मैंने कोई किसी का इशू नहीं सुनना है कि सर ये सबमिट नहीं हो रहा। आपके पास लास्ट मिनट है, जल्दी सबमिट कर दो। क्योंकि ड्यू टाइम के बाद ये सबमिट नहीं होता, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, फिर आपने कहने के सर ये सबमिट नहीं हो रहा, तो जल्दी जल्दी करें भी, और जिन्होंने सबमिट कर लिया वो जाएं, वो ना यहाँ ना रहें प्लीज। सर कर दिए मेल। सर